कैसे हैं आप लोग? आज मैं आपको चिकन मुगलाई चिकन बना के दिखाने वाली हूँ। उसके लिए जो हमें चीज़ें लगेंगी मैं आपको तो ये है चिकन जो कि मैंने पाव किलो लिया है, और ये प्याज है एक मीडियम प्याज, और ये दो डेढ़ टमाटो हैं बड़े, और ये अखा गरम मसाला है, एक लौंग, एक दालचीनी का टुकड़ा, और एक हरी इलायची और एक बड़ी इलायची और तेज़पत्ता, और ये है प्याज एक प्याज कच्ची, और हरी धनिया थोड़ी सी, और साथ काजू लिए हैं मैंने और उसे मिक्सी के पॉट में ग्राइंड कर लिया है, और ये अदरक लहसुन का पेस्ट है, ये गरम मसाला है, और ये हरी धनिया और पुदीना है जो कि ऊपर सजावट के लिए हमें लगेगा, और ये लाल मिर्च पाउडर है, और ये नमक, और ये दही, और ये ज़ीरा पाउडर। तो अब हमारा फर्स्ट स्टेप है कि हम चिकन को मैरिनेट करेंगे। तो सबसे पहले मैं ये जो चिकन है उसे इसमें डालूंगी, जिसे मैंने 3-4 पानी से धो के साफ लिया है, और इसमें सबसे पहले ये ज़ीरा पाउडर है जिसे मैं इतना डाल रही हूँ, ये दही है जो मैं, ये आधा टेबल स्पून है तो मैं 2 टेबल स्पून इसमें डाल रही हूँ, 4 स्पून, ये अदरक लहसुन का पेस्ट है जो मैं आधा टेबल स्पून इसमें डाल रही हूँ, अब मैं इसमें ये ज़ीरा पाउडर डालूंगी। और ये जो मैंने प्याज और हरी धनिया और ये पिसा था काजू, वो मैं इसमें सब डालूंगी। और ये नमक है जो आप अपने स्वाद अनुसार डालिए, और ये लाल मिर्च पाउडर है, ये मैं 2 टेबल स्पून डाल रही हूँ, आप जैसा खाते हैं आप अपने टेस्ट से डालिए। अब इसे हम सब मिक्स करेंगे। इसे अच्छे से मिक्स करके हमें इसे 1 घंटा रखना होगा, और मैं ये जो टमाटो है उसकी प्यूरी भी मैं बना लूँगी ये मैरिनेट होने पर। अब इसे 1 घंटा हमें रखना है। तो देखिए, ये मैंने मैरिनेट करके चिकन को 1 घंटा रख दिया था, और अब ये कढ़ाई में 5 टेबल स्पून गरम होने के लिए रख दिया है। अब ये गरम होने के बाद मैं फिर इसमें, देखिए तेल गरम हो चुका है, और अब मैं ये जो गरम मसाला मैंने लिया था वो इसमें डालूंगी, ये ज़ीरा, लौंग, एक लौंग, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, और अब प्याज डालूंगी और इसे अच्छे से ब्राउन करने तक कर दूंगी। तो देखिए ये इस तरह ब्राउन हो रही है प्याज, इसे और अच्छी ब्राउन करना है हमें।
प्याज जो है अच्छे से ब्राउन हो चुकी है और अब मैं ये इसमें मैरिनेट चिकन डाल रही हूँ और इसे मैं अच्छी तरह से भूनूंगी। इस प्याज के साथ अच्छे से इसे मिक्स करके अच्छे से इसमें पकने दूंगी, थोड़ा चम्मच से ऐसे भूनूंगी। तो देखिए मैंने इस तरह से इसे अच्छे से मिक्स किया है और थोड़ी देर इसी में मैं इसे पकने दूंगी और चम्मच से बीच बीच में इसे हिलाते रहूंगी। देखिए ये इस तरह से पक रहा है, इसे हम पकने देते हैं थोड़ी देर। तो देखिए अब मैं इसमें चिकन में ये जो टमाटर की प्यूरी है वो इसमें डाल रही हूँ और इसी में हम इसे पकने देंगे। और ये है थोड़ा गरम मसाला ना मैं डाल रही हूँ, आप अपने हसब पसंद डालिए जायके। और अब अच्छे से इसे मिक्स करेंगे हम और ये टमाटो की प्यूरी जो है इसमें हम इसे पकने देते हैं। तो देखिए मैंने इस तरह से इसे अच्छे से मिक्स किया है और थोड़ी देर इसी में मैं इसे पकने दूंगी और चम्मच से बीच बीच में इसे हिलाते रहूंगी। देखिए ये इस तरह से पक रहा है, इसे हम पकने देते हैं थोड़ी देर। तो देखिए अब हमारे 15 मिनट हो गए हैं चिकन पकते हुए और मैंने उसके ऊपर ये लीड रख दिया था, तो अब मैं इसे निकाल के देखती हूँ कि 15 मिनट बाद हो गया है। तो देखिए ये चिकन हमारा रेडी हो गया है, चिकन भी पक गया है और इस तरह से रेडी हो गया है। अब मैं इसे सर्विंग बाउल में निकालूंगी और ये स्टोव बंद कर दूँ। देखिए मैंने इसे सर्विंग बोल में निकाल लिया है चिकन को, तो अब इसे हम डेकोरेट करेंगे। तो ये पुदीने के पत्ते हैं जो मैं इसमें रख रही हूँ और ये हरी धनिया है इस पर जो मैं इस तरह से रख रही हूँ। तो देखिए ये हम इस तरह से इसे डेकोरेट कर दिए और आप अपने हिसाब से तेल डाल सकते हैं, अगर आप कम खाती हैं तो इससे कम डालिए और अगर आपको ज़्यादा लगता है तो आप ज़्यादा भी डाल सकती हैं इसमें। तो देखिए ये अब रेडी हो गया है मुगलाई चिकन, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए इसे और मुझे बताइए कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी और उसे लाइक की मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कुछ कमेंट कीजिए। चलिए अल्लाह हाफिज़।